अधिकार का एक दृष्टान है। कुछ इनसे क्या इनके वालिदैन पीएचडी थे, क्या इनके वालिदैन कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर थे? वो कौन थी वो माएं? वो माएं सात्विक थी, पांचवी थी, लेकिन उस माँ के दिमाग में और जहन में इल्म की अहमियत इतनी थी कि वो भले चावल चुनती थी लेकिन बेटे से कहती थी, बेटा बैठ, मैं देख रही हूँ तू क्या पढ़ रहा है। उसे पढ़ना नहीं आता था लेकिन वो सामने बिठा के पढ़ाती थी। आज क्या है, माँ के हाथ में मोबाइल है, बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो बच्ची के हाथ में मोबाइल। और फिर एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस आज है, 2.5 साल का बच्चा, माँ बाप आके कह रहे सर वो सुन भी रहा मोबाइल की आदत करते हैं, आदत लगी या लगाई? बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे और कहने वाला हूँ, मोबाइल की आदत लगी या लगाई? नहीं, वो जिद करता था ना तो मोबाइल दे दिया किसने? बड़ा अच्छे माँ बाप है, तारीफ। हमारा 1.5 साल का पोता है यूट्यूब बराबर खोल ले, तारीफ है। आप लोग नहीं जानते, मेरी माँ बहनों से कह रहा हूं, जब आप यूट्यूब खोलते हो ना, सिर्फ कार्टून नहीं आता, वो पैश की जा सकती है जब तुमने शायद शादी के बाद भी नहीं देखी। क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते, दे देना बच्चों के पास और सुन देना। अगर 2-2.5 साल में तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सुन नहीं रहा है तो 17 साल में नाक मार के अगर निकाल देगा तो फिर किसी से मत कहना कि हमारे बेटे ने हमारे साथ किया, क्योंकि 2.5 साल में वो तुम्हारी सुन नहीं रहा था, 17 साल में यह शर्मनाक हो सकता है। मैं जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा, मेरे पास केसेस है, मोबाइल छीना बड़े भाई ने जॉब से आके, 17 साल का लड़का था, 25 साल का भाई था, मोबाइल छीना भाई ने मोबाइल गेम खेल रहा था, छोटा भाई में वो गुस्सा आया, वो उठा उसका सीधा गला दबा दिया, जब तक तो उसके माँ ने उसके सर पे कुछ नहीं मारा वो हाथ उसने छोड़ा नहीं। तो आप क्या समझते मोबाइल करता क्या है, क्या करता है मोबाइल जानते हैं? आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म करता है। हम लोगों ने बौरा खुआया, गुड़िया खेली, हम लोगों ने लिगोरी खेली, आप क्या समझते कि खेल नहीं था? इसको साइकोलॉजी में एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ कहा जाता है, एरियल एक्टिविटी कहा जाता है, जो बच्चों के जिस्मानी जहनी कुव्वत को डेवलप करता है, नफ्सियात को डेवलप करता है। आज बच्चा क्या देख रहा है, 1.5 साल का बच्चा बोले वो ना नजम सुनता, उसके ऊपर पोएम याद कर रहा मोबाइल पे, शेर कुत्ते बिल्लियां। आप क्या समझते 1.5 साल के बच्चे के दिमाग में जब प्रोसेस चलती है ना, ये रात में उसको सारी चीजें सपने में क्या परसीव होगी, ये तुम और मैं नहीं जानते, और इसके कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन पैदा होता है। मैं वालिदैन से बोलना चाहता हूँ, हाथ रख के बोलिए अपने छाती पे, अपने सीने पे, वालिदैन करके कितनी जिम्मेदारी आज आप निभा रहे। कितने वालिदैन है यहाँ जो अपने बच्चे का मोबाइल चेक करने की हैसियत रखते हैं? कितने वालिदैन को पता है कि मैं मेरे बेटे की हिस्ट्री चेक कर सकता हूं, क्या देख रहा है वो? कितने बच्चे अलाउड कर सकते हैं अपने माँ बाप को? आपकी बेटी इंस्टाग्राम पे, आपका बेटा इंस्टाग्राम पे, कौन उसके दोस्त, क्या डालता है वो उसके ऊपर? ये मकाम संजीदगी का है, ये जिम्मेदारी पहले वालिदैन की है। अगर आप चीजें देना चाहते हो, छोटी सी बात है कि जब माँ नए नए बच्चे को गैस पे बेटी को सिखाती है तो बाजू में खड़े रहकर सिखाती है लाइटर कैसे लगाना, कितने दूर खड़े रहना, कैसा लगाना। आज आपने आग से खतरनाक चीज बच्चों के हाथ में दे रखी है, लेकिन कोई वालिदैन का मानेगा ही उसके ऊपर नहीं। इसके नताई जा रहे, इसके नताई जाने वाले,
मैं इसलिए वालदैन से ज्यादा कह रहा हूं कि वालदैन अगर बच्चों को सही ट्रीट करना शुरू कर दे, ये बच्चे तो तुम्हारे हाथ की साख है, ये वो मिट्टी के घड़े हैं, कुमार जैसे घर देना वो घर जाएंगे। अगर कुमार को घड़ना नहीं आता, लेकिन बात वही है, यही भूल मैं जिंदगी भर दोहराता रहा, यही भूल मैं जिंदगी भर दोहराता रहा, धूल जमी की चेहरे पे आईना पूछता। बच्चों से बात करता हूं तो वो वालिदैन की बात करने लगते हैं। लेकिन मैं क्या मेरी बेटी के पास बैठ सकती हूँ? क्या मैं बात कर रही? क्या मेरा बच्चा कॉलेज से स्कूल से आता है, मैंने उससे कभी पूछा उसके दोस्त कौन है, वो किस जगह पे गया था, वे बाहर उन चौराहे पे मैं आ रहा था बेटा तू वहां क्यों खड़ा था? माँ बाप को, क्योंकि मैं इसलिए माँ बाप से ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा तादाद में यहां मेरे पास माँ बाप मौजूद है। कभी बैठ के सोचिएगा कि क्या वालिदैन का फर्ज अदा करने में हम कामयाब है, और यकीन मानिए आखिर में ये बच्चे तुम्हारा गरेबान पकड़ लेंगे कि अब्बा अल्लाह ताला से कहेंगे कि इनको दुनिया कमाने का वक्त था लेकिन हमारे लिए वक्त नहीं था, ये हमारे इसके लिए जिम्मेदार है। क्या जवाब देगा? चाइल्ड साइकोलॉजी पूरी तरह बदल गई, बच्चे पूरी तरह बदल गए, बच्चे 5G के जमाने के हो गए, वो पुरानी रिवायतों से बच्चों को पढ़ाना कैंसल, भूल जाओ क्योंकि इतने खतरनाक बच्चे हैं। अपने जमाने में वालदैन डांटते थे, उदाहरण देते थे दाखिला, है ना, इन्होंने ये करे थे, ये उम्र में ये करे थे, एक वाली डांट रहे थे अपने बच्चे को कि देख बोले तू इतना घुमरा, तेरी उम्र में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान फतेह कर लिए थे 16 साल में, तू क्या निकामा घूमता। 5G के जमाने का बच्चा था, दिल से बोला अब्बा मेरे जमाने में गजनवी ने क्या करे थे ये बता दिया, बराबर है, तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पर अटक गए तो उसका क्या। अब देखते हैं बच्चे तुमको गजनवी भी बता, वो तुमको भगत सिंह करके लटका ले तो ले, तब वो उदाहरण देके फायदा नहीं। अब बच्चों को क्या करना है, देखिए बहुत सवाल बच्चे, इनको सिर्फ थोड़ा सा ट्यूनिंग करने की जरूरत है, कुछ मत करिए, मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ मत करिए, सिर्फ उनको एहसास कराइए बेटा मैं तेरे साथ, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। दो चीजें, दो तरह के वालिदैन होते हैं, एक होते हैं केयरिंग पेरेंट्स, केयरिंग पेरेंट, 10 मिनट है या सर 10 मिनट है, केयरिंग पेरेंट्स कौन होते हैं मालूम है? स्कूल से जैसे बच्चा आया, जूते उतारा, हाथ धो, कपड़े बदल, मोजे निकाल, यूनिफॉर्म चेंज कर, खाने बैठ, हाथ धो, मुंह में से गिरामक निवाला सही बना, इधर काय को गिराया, उधर काय को देख रहा था, होगा नीचे उतर, पढ़ाई को बैठ, इधर काय को खड़ा। बच्चा बोलता 24 घंटे आर्मी कैंप में